हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को मैग्नेटिज्म की सेकंड क्लास देने जा रहा हूँ, जिसमें आज मोस्टली टॉपिक कवर कर देंगे हम। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, और हमने कहा था कि भाई अगर कहीं से भी करंट जा रहा है, एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सारी बातें पढ़ा दी गई थी, बस दो बातें रह गई थी पढ़ाने के लिए इसमें, कि भाई सबसे पहली बात, हमें ये बात तो पता चल चुका है कि भाई ये सारा का सारा मैग्नेटिज्म किसकी वजह से बन रहा है? करंट की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? करंट की वजह से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिज्म। मतलब धारा जो होगी वो चुंबकत्व के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा, करंट कम है तो मैग्नेटिज्म भी कम होगा। अरे सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर करंट ज्यादा जाएगा तो मैग्नेटिज्म ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, और अगर करंट कम है तो भाई मैग्नेटिज्म भी कम से कम बनाएगा। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये पढ़ना है हमें कि जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस, रेडियस ऑफ क्या भाई? मैग्नेटिक सर्कल। रेडियस ऑफ मैग्नेटिक सर्कल या डिस्टेंस, हाँ जी, रेडियस ऑफ मैग्नेटिक सर्कल। हाँ जी, हिंदी में क्या लिखेंगे कि चुंबकत्व जो है वो अनुक्रमानुपाती है क्या? चुंबकीय वृत्त की त्रिज्या के। वृत्त की त्रिज्या के मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? देखो, अब सीधी सी बात है, आपको मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, कि अगर उनके इलाके में कोई आ जाएगा तो उनको वो तुरंत चिपका लेंगे। तो यानी अगर मैं लोहे का कोई पीस यहां पे रख देता हूं तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्र में नहीं आ रहा, इसके एरिया में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं कोई लोहे का पीस, कोबाल्ट का पीस, निकल का पीस यहां पे रख देता हूं तो ये इस वायर में तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों? चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड में आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम इससे दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इससे दूर होते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है? मैग्नेटिज्म लगातार कम होता जा रहा है। मतलब मैग्नेटिज्म अगर बढ़ता है तो इसका मतलब, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर रेडियस कम है तो मैग्नेटिज्म क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी किसी लोहे के पीस को उठा के यहां पे रख दोगे तो वो तो तुरंत चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस कम, मैग्नेटिज्म ज्यादा। लेकिन अगर किसी लोहे के पीस को उठा के यहां पे रखोगे तो चिपकने में थोड़ा दिक्कत होगा। रीजन? क्योंकि भाई रेडियस ज्यादा तो मैग्नेटिज्म कम। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ के चलनी है कि बच्चों चुंबकत्व जो होता है वो अपने चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। मीन्स कि अगर रेडियस कम तो मैग्नेटिज्म ज्यादा, और रेडियस ज्यादा तो मैग्नेटिज्म कम। समझ में आ रही बात बच्चों? फटाफट ये नोट कीजिए, इसको लिखवाता हूं, फिर आगे चलते हैं लूप पे। चलिए लिखेंगे, जरा लिखिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, इसको उतार लीजिए पहले, वीडियो पॉज करके इसको उतारिए। चलिए इसको उतारिए, वीडियो पॉज करके पहले कर लिया नोट। चलो, हाँ जी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हूज सेंटर्स लाई ऑन द वायर, हूज सेंटर्स लाई ऑन द वायर। ठीक है, हिंदी वाले। सीधे धारावाही चालक में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधे धारावाही चालक में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र चालक पर होता है, चालक पर होता है। ठीक है, ये भी लिख लो, इन दोनों बातों को भी लिख लो। लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट फ्रॉम द वायर, सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। और सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, ठीक है, या रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी लिख सकते हो। हिंदी वाले लिखेंगे, सीधे धारावाही चालक सीधे धारावाही चालक में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का परिमाण होता है, का परिमाण, बच्चों परिमाण बोला मैंने, परिणाम नहीं बोला है, परिमाण, परिमाण। पहला, चालक में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा, चुंबकीय वृत्त की त्रिज्या के व्युत क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय वृत्त की त्रिज्या के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, चलिए, पहला तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ेंगे लूप वायर या सर्कुलर वायर। दूसरा मैग्नेटिज्म किसमें पढ़ेंगे? हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड इन लूप वायर। अब लूप वायर क्या है? लूप वायर मतलब होता सर्कुलर वायर हिंदी में, ठीक है जी, लूप तार में या वृत्तीय तार में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, चलो देखेंगे जरा इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये एक ऐसे सर्कुलर वायर है और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है भाई, ठीक है, ये मैंने यहां से बैटरी ऑन कर दी, करंट ऑन, ये हो गया जी करंट ऑन, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इसके इस पॉइंट को पकड़ लेता हूं और इसके इस पॉइंट को पकड़ लेता हूं, तो अब हमें देखना यह है कि करंट इसके अंदर जाने के बाद मैग्नेटिज्म कहा गया कि बढ़ रहा है, मतलब मान लो एक सीधा तार है आपके पास, ठीक है बच्चों, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है
और इसमें भी मान लीजिए 2 एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं और वैज्ञानिकों का भी मानना है और वो साबित भी कर रहे हैं कि इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिज्म कम होगा। अब बोल रहे हो कि यार एक बात बताओ, इसमें तो हम 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, इसमें भी हम 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म ज्यादा कैसे हो सकता है इसमें, सर्कुलर वाले में ज्यादा कैसे हो सकता है? तो आइए चेक करते हैं। तो भाई जब इसमें मैग्नेटिज्म गया सीधे वाले में, ये बनाना मत, ये तो बस ऐसे समझा रहा हूं, जब सीधे वाले में गया तो अपने ही एक ही पॉइंट पे आगे बढ़ता चला गया, एक ही पॉइंट पे क्या होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। लेकिन मान लो इन दोनों के कोई भी एक दो पॉइंट ले लें किसी भी पॉइंट पर, तो देखो क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, जब इधर से बढ़ेगा तो इधर से ही बढ़ेगा, ये थोड़ी रुका रहेगा, ये किसी से कम थोड़ी है भाई, इसमें भी तो इतना ही करंट जा रहा है। तो देखो लगातार मैग्नेटिज्म क्या कर रहा है, यानी एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये मैग्नेटिज्म आपस में क्या करने लगेंगे, टकराने लगेंगे, और जब भी मैग्नेटिज्म आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी वैल्यू को, क्या करते हैं भाई, इंक्रीज मतलब मैग्नेटिज्म बढ़ा देंगे, चाहे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट का हो, मैग्नेटिज्म टकराने के बाद क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिज्म को बढ़ा देंगे। और जब मैग्नेटिज्म बढ़ा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हमने वायर को क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप में ले लिया। तो ये 2 बातों पर डिपेंड करता है बच्चों। पहला 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 क्या भाई, पहला भाई आपको अच्छे से पता है कि करंट जो है वो मैग्नेटिज्म के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतनी बात तो हमें ही पता है कि अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिज्म, ये तो पहली बात तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। अब आता है दूसरा, हाँ भाई क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस ऑफ लूप के, मतलब जितना छोटा लूप बनाओगे, जितना छोटा लूप बनाओगे उतना ज्यादा क्या, उतना कम क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। अब बताओ सबसे बड़ा मैग्नेट, सबसे कम मैग्नेटिज्म किसका होगा, इसका, क्यों, क्योंकि इसका लूप बहुत कम है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म किसका होगा, इसका, क्योंकि इसका लूप बहुत ज्यादा है। इससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं, इससे भी ज्यादा मैं अगर कहूं, तो बताइए क्या इसका मैग्नेटिज्म इससे ज्यादा नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, क्यों, लूप ज्यादा मतलब रेडियस ज्यादा, तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई, मैग्नेटिज्म अपने आप हो जाएगा कम, और रेडियस कम तो मैग्नेटिज्म, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो यानी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यही हुआ कि अगर रेडियस ज्यादा होगा तो अपने आप मैग्नेटिज्म क्या होने लगेगा, कम, लेकिन अगर रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिज्म क्या होगा, ज्यादा होगा। ये है बच्चों, ये है, सॉरी मतलब इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा और इसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, कम होगा, मतलब जो जितने कम रेडियस का है, जो जितने क्या है, कम रेडियस का, जितना छोटा होगा उतनी जल्दी करंट इनका पास में मिलेगा, जितना दूर होगा उतना धीरे क्या मिलेगा, इनका करंट पास में मिलेगा, ध्यान से रखना, ठीक है। सॉरी मुझसे गलती हो गई थी बच्चों, ठीक है, सॉरी सॉरी इस चीज के लिए बहुत बड़ा सॉरी। क्या कि अब अगर ये लूप छोटा है, इसका कोई पॉइंट है, एक लूप इतना बड़ा है, तो भाई इसके ये 2 पॉइंट है, भाई करंट जब इनमें जाएगा तो सीधी बात है इसको बहुत कम टाइम लगेगा अपने लूप को क्या करने के लिए, टच करने के लिए, लेकिन इनको क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा अपने लूप को टच करने के लिए। तो यानी अगर रेडियस ज्यादा है तो मैग्नेटिज्म कम होगा, रेडियस कम है तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। फटाफट उतार लीजिए। चलिए नोट करेंगे, इसको नोट कीजिए और लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप, प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप आर आर, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, और सेकंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। हिंदी वाले लिखेंगे, लूप वायर, लूप तार में, लूप तार में, लूप तार में धारा लूप तार में धारा के बहने पर, धारा के बहने पर चुंबकत्व का परिमाण, चुंबकत्व का परिमाण। पहला पहला क्या है भाई, लूप में बहने वाले, लूप में प्रवाह होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, लूप में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा लूप की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, व्युक्त क्रमानुपाती, लूप की त्रिज्या के व्युक्त क्रमानुपाती, लूप की त्रिज्या के व्युक्त क्रमानुपाती। ठीक है जी, चलिए। और नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। ड्यू टू अ सोलेनोइड, ये चैप्टर खत्म कराते ही आपका लेंस शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फिर लेंस कराया जाएगा आपको। ठीक, चलिए लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड हिंदी में, परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बच्चों परिनालिका क्या होती है, सोलेनोइड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चों तार को, जब एक सीधे तार को गोल गोल घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है तो एक ऐसी शेप बनती है। आपने देखा होगा तार को आपने कई बार उंगली में ऐसे लपेट के ऐसे हाथ बाहर निकाल लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन जाता है बच्चों हेलिक्स शेप। कौन सा शेप होता है, ये हेलिक्स स्प्रिंग वाला जिसे आप कहते हैं। ये भाई हमने इस तरह का सोलेनोइड बना दिया। अब यहां से क्या करेगा, जैसी बैटरी ऑन करेंगे भैया यहां से जाएगा करंट और ये करंट करने लग गया पास, ये क्या करने लग गया, करंट पास करने लग गया। ठीक है जी, ये होने लग गया करंट पास। अब कह रहा है तो बताइए अब इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसके अंदर आप करंट पास करेंगे इसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्राप्त होने लग जाएगा, इसके चारों तरफ क्या प्राप्त होने लग जाएगा, मैग्नेटिज्म प्राप्त होने लग जाएगा। और बच्चों इसकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ ही रहेगी, इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ ही रहेगी। और बच्चों इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको सीखनी है। आपसे पहला पूछा जाएगा कि बताइए इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पर होगी, इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पर होगी, तो आपको बताना है इनसाइड द कॉइल, मतलब कॉइल के अंदर, ये जो कॉइल है ना इस कॉइल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बच्चों। और क्योंकि देखो अभी अभी आपने सीखा कि एक सीधे तार से ज्यादा, एक सीधे वायर से ज्यादा एक लूप में ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है, एक लूप में ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है। तो एक लूप में जब इतना मैग्नेटिज्म था तो यहां तो देख रहे हो कितने सारे लूप हैं, यहां पे तो कितने हैं, कितने सारे लूप हैं। और याद रखना जब किसी मशीन के अंदर ये लूप बनाए जाते हैं तो लाखों की संख्या में ये लूप बनते हैं। तो सोचो वो लाखों की संख्या में जो लूप होंगे वो कितना ज्यादा मैग्नेटिज्म पैदा करते होंगे, और जब इतना ज्यादा वो मैग्नेटिज्म पैदा करेंगे तो आराम से उनके लिए काम करना क्या होगा, मशीन के लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म इसके कहां पर होता है भाई, इसके इसके कहां पर होता है, इनसाइड द कॉइल, कहां पर होता है, इनसाइड द कॉइल।
और बच्चों ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। कितनी बातों पे डिपेंड करता है? तीन बातों पे। पहली बात किस पे डिपेंड करता है भाई? नंबर ऑफ टर्न्स पर। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड। ठीक है, परिनालिका में फेरों की संख्या पर। ठीक है जी, किस पर? फेरों की संख्या पर। तो ये जो भी इसके फेरे इसमें लग रहे हैं, ठीक है, उसकी संख्या पर, फेरों की संख्या पर ये सारा का सारा चलता है। ठीक है बच्चों, अच्छा सेकंड, फेरों की संख्या समझ रहे हो ना? ये जो वायर घूम रहे हैं, ये जितने ज्यादा लपेटे जाएंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। दूसरा है फ्लो ऑफ करंट पर। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, विद्युत के प्रवाह पर, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म। आई ज्यादा करंट मैग्नेटिज्म ज्यादा, आई कम मैग्नेटिज्म कम, विद्युत धारा की प्रवाह पर, की प्रवाह। और तीसरा है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सोलेनॉइड। ये डिपेंड बता रहा हूं मैं, ये किन किन पे डिपेंड करता है, ठीक है, निर्भर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिज्म है ना, किसका? सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म इन तीन बातों पे निर्भर करता है। मतलब क्या? परिनालिका में प्रयोग पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है जी, पदार्थ की प्रकृति पर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म परिनालिका का चुंबकत्व किन तीन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला, सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब उसके जो टर्न्स हैं। दूसरा, फ्लो ऑफ करंट, विद्युत धारा की प्रवाह पर। तीसरा, परिनालिका के प्रयोग, जो प्रयोग पदार्थ किया है, मतलब कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कोर मटेरियल है। वैसे सबसे बेस्ट होता है कोर मटेरियल। सबसे बेस्ट कौन सा होता है अगर आपको मैं बता दूं तो? सबसे बेस्ट कौन सा मटेरियल होता है? कोर मटेरियल होता है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिज्म के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो क्रोड़ पदार्थ, हिंदी में कहते हैं क्रोड़ पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं कोर मटेरियल। कौन सा मटेरियल? कोर मटेरियल। फटाफट नोट कर लो, फिर लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिए लिखेंगे जरा। द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। And their magnetic field production is similar to as bar magnet. हिंदी वाले, परिनालिका एक लंबी
और कई फेरों से बनी कॉपर के तार की एक कुंडली है। कॉपर के तार की एक कुंडली है। जिसका चुंबकत्व दंड चुंबक जैसा ही होता है। जिसका चुंबकत्व दंड चुंबक जैसा ही होता है। ये फिगर बनाई ली होगी। और अगर उसके चुंबकत्व के बारे में बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, तो किस पे डिपेंड करता है? इन तीन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, नोट करो। फिर अगला टॉपिक लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेट। ये नोट कर लिया? चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी देखिए, नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत चुंबक। ठीक है जी, इसका बेस्ट एग्जांपल टॉम एंड जेरी। सभी बच्चों ने देखा होगा कि भाई एक एपिसोड था जिसमें टॉम ने जेरी को क्रेन के पास आता है, जेरी उसके नीचे, वो बटन दबाता है टॉम, तो जेरी उस पर चिपक जाता है, और फिर जैसे ही ऑफ करता है जेरी नीचे गिर जाता है, फिर ऑन करता है फिर ऊपर आ जाता है, फिर ऑफ करता है नीचे गिर जाता है। तो क्यों? क्योंकि बच्चों उस क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया गया है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया गया है तो आखिरकार वो काम कैसे कर रहा है, आओ सीखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे है, और एक रॉड लगी होगी इसमें, एक रॉड लगी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और उस पे ये ऐसे करके कॉपर वायर को लपेट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कॉपर वायर को लपेट दिया गया है, और ये आ गया वायर ऐसे, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, और ये ऐसे। मान लीजिए ये हमने की कर दिया ऑन, बैटरी हो गई चालू, क्या देना? करंट देना, करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर गया। तो फिर से वही वाली बात भाई, करंट इसमें फ्लो करेगा, ये भी बिल्कुल सोलेनोइड जैसा है, ये भी बिल्कुल कैसा है? सोलेनोइड जैसा है। ये भी नॉर्थ से साउथ वाला ही काम करेगा, ये भी काम सेम करेगा बच्चों, ये भी आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इनकी कुछ बातें क्या हैं जो कॉमन है, वो बिल्कुल किसकी तरह है? सोलेनोइड की तरह। मतलब आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स एज सोलेनोइड, ठीक है, यानी विद्युत चुंबक बिल्कुल परिनालिका जैसा कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? परिनालिका जैसा कार्य करता है, सेम बिल्कुल वैसा ही कार्य करता है। बस इसके बच्चों जो इसका जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है, उसकी जो डिपेंडेंसी है ना, जो वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है बच्चों, वो निर्भर तीन बातों पे ये भी करता है, तीन बातों पे निर्भर ये भी करता है, समझ रहे हो? कौन? मैग्नेटिज्म। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो आप यहां पे लिखेंगे द मैग्नेटिज्म ऑफ, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन विद्युत चुंबक का चुंबकीय चुंबकत्व निर्भर करता है। निर्भर करता है किस पे? पहला पहला करता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी, फेरों की संख्या पर।
जो मैंने लिखवाया था ना अभी पीछे सोलेनोइड में, सेम वही लिख देना है। दूसरा किस पे? फ्लो ऑफ करंट, ठीक है जी, धारा के प्रवाह पर, ठीक। और लास्ट तीसरा बच्चों, मैंने क्या कहा था कि नेचर ऑफ मटेरियल, लेकिन इसमें बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल नहीं लगाएंगे, इसमें हम नेचर ऑफ मटेरियल तीसरा ऑप्शन नहीं होगा सेम। क्यों? क्योंकि सोलेनोइड के अंदर तार आप कोई सी भी ले सकते हो, कॉपर की, गोल्ड की, एल्युमिनियम की, ठीक है, कोर कोर मटेरियल की, किसी की भी। और मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट मटेरियल कोर मटेरियल होता है, ठीक है। पहले तो हम ये पहले पता करें कि भाई थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला उसमें मटेरियल वाला क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो रॉड लगी हुई है ना, ये पता किसकी रॉड लगी हुई है? सॉफ्ट आयरन की रॉड लगी हुई है, नरम लोहा। अब आप लोग हंसोगे, भाई नरम लोहा होता कहां है? नरम लोहा होता कहां है? नरम लोहा तो होता ही नहीं। अब तो ये गलत पढ़ा रहे हो भाई, लोहा नरम कब से होने लग गया, सॉफ्ट कब से होने लग गया? तो मेरे बच्चे ये जो नर्म लोहा है, सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि वो मुलायम है, उसको टच कर दे तो भाई हाँ हाथ बिल्कुल पाउडर जैसे चिकने चिकने हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का मतलब ये है कि ये आसानी से अपना मैग्नेटिज्म खो भी देता है और आसानी से अपना मैग्नेटिज्म प्राप्त भी कर लेता है। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिज्म यानी करंट को ऑन करेंगे, जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे, मैग्नेटिज्म तुरंत ऑन हो जाएगा, और जैसे यानी गेन हो जाएगा मैग्नेटिज्म जैसे ही ऑन करेंगे, किसको? करंट को। और जैसे ही आप करंट को, धारा को ऑफ करोगे, ठीक है, तुरंत मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। इस वजह से सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये कहां यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं बड़े बड़े जो लोहे के सामान होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनको उठाने के लिए। तो उनको वो चिपकाते हैं और एक जगह पे लाके दूसरी जगह पे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी चीज को चिपकाता है तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, करंट ऑन है। क्यों? इलेक्ट्रॉन करंट ऑन होते ही मैग्नेटिज्म गेन हो जाता है और चिपका लेता है। लेकिन दूसरी जगह ले जाके जैसे ही करंट को ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तुरंत वो क्या कर देता है? लूज कर देता है, तुरंत उसको छोड़ देता है। तो इस वजह से सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है रॉड में, कहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो यहां पे अब थर्ड पॉइंट कुछ और आ जाता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिज्म, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर है द लेंथ ऑफ एयर गैप, द लेंथ ऑफ एयर गैप, The length of air gap between its pole, ठीक है, ध्रुवों के बीच, ध्रुवों के बीच हवा की लंबाई, हवा के अंतराल की लंबाई, ये लिखो बच्चों, ठीक है जी, नोट करो फटाफट, फिर सॉफ्ट आयरन के बारे में भी लिखवा देता हूं। नोट करो, चलिए लिखेंगे जरा। लिखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स वर्क्स एज सोलेनोइड वर्क एज सोलेनोइड और फिर उसके बाद नीचे ये लाइन लिख के ये पूरा नोट कर लेना, ठीक है। अब लिखो बच्चों सॉफ्ट आयरन के बारे में, अगर नोट कर लिया तो सॉफ्ट आयरन के बारे में लिखो।
लिखो, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजिस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजिस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ, व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ एंड गेन्स ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म एंड गेन्स ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म इफ द करंट इज स्विच्ड ऑन, इफ द करंट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, हिंदी वाले लिखो, फिर खत्म करते हैं इसे यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। लिखिए, लिखो, हाँ जी लिखेंगे। विद्युत चुंबक में क्रोड़ पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, क्रोड़ पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि, सॉरी, क्रोड़ पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जैसे नरम लोहा, क्योंकि धारा के साथ यह चुंबकत्व तुरंत प्राप्त कर लेता है, धारा के साथ यह चुंबकत्व तुरंत प्राप्त कर लेता है जबकि धारा की अनुपस्थिति, सॉरी, जबकि धारा के बंद होते ही कौन सी धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा के बंद होते ही यह अपना पूरा चुंबकत्व खो देता है, यह अपना पूरा चुंबकत्व खो देता है। ठीक है बच्चों, चलो तो आज का टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसे हम ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर देंगे, यानी दो क्लास का और मान लो, दो क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।